नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आइए आज बात करते हैं स्पेन के एक ट्रेडिशन के विषय में। विंटर सीजन आ गया है, क्रिसमस का सीजन आ गया है और फेस्टिवल फेस्टिवल है। तो यहाँ पे जो है नॉर्मली होता क्या है कि जब क्रिसमस का डे जो है 23 या 24 तारीख जो है, तो उसका उस मतलब उस दिन से छुट्टी शुरू हो जाती है। जैसे इस हफ्ते में 21-22 तक शायद है, फिर 22 के बाद सब बंद हो जाएगा पूरी, और वो बंद रहेगा 7 जनवरी तक। 7-8 जनवरी तक जो है तब बंद नहीं होता है, बस काम लोग कम करते हैं, ज़्यादातर तो लोग छुट्टियों पर चले जाते हैं क्योंकि 3 दिन का जो है हॉलीडे दिया जाता है फेस्टिवल का। उसके सिवा भी लोग जो है अपना पूरे साल का जो हॉलीडे जो है बचा के, या जो बचा के रखते हैं या जो खर्च नहीं हुए होते हैं, तो उस हॉलीडे को वो ये 15 दिन का जो है इसमें लेते हैं लोग हॉलीडे, क्योंकि बच्चों का स्कूल बंद हो जाता है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है, फैमिली तो बच्चों का भी लोग केयर करना होता है लोगों को। मतलब एक तरह से फेस्टिवल होता है इसमें लोग जो है, और अगर छुट्टियां नहीं लेंगे तो वो 31 दिसंबर तक जो है लैप्स चला जाएगा। तो लोग कोशिश यही करते हैं 31 दिसंबर क्या 15 जनवरी तक शायद होता है कि 15 जनवरी, कोई कहीं कहीं पे जनवरी का पूरा महीना दे देते हैं, कहीं कहीं पे जो है 31 दिसंबर होता है, कहीं कहीं पे 15 जनवरी तक आप ले लीजिए। पर अगर आपने नहीं लिया जनवरी मतलब नहीं लिया छुट्टियाँ इस 3-4 हफ्ते में, तो आपका वो लैप चला जाता है, तो लोग लेते हैं छुट्टियाँ। अब ये 7 जनवरी तक क्या होता है, कई कई फेस्टिवल मनाते हैं ये लोग। पहला तो क्रिसमस का रहेगा, दूसरा जो है 31 दिसंबर का रहेगा, उसके बाद जो है उधर जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है किंग परेड, मतलब 3 मैजिक किंग जो है वो अब निकलते हैं, तो वो भी गिफ्ट बांटते हैं। तो एक तो क्रिसमस बच्चों के लिए बहुत खुशी का दिन रहता है, एक तो क्रिसमस के दिन गिफ्ट मिलता है, दूसरा जो है जो भाई क्रिसमस के दिन सांता क्लाउज आते हैं गिफ्ट लेके, और उधर जो है 3 दिन जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है मैजिक किंग जो होते हैं 3, वो गिफ्ट लेके आते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत दो दो गिफ्ट मिलता है उन लोग को, और भी लोग आपस में जो है गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, इधर होता है। मैं भी करता हूँ, मैं मेरे 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 एक फ्रेंड है, उसकी फैमिली तो उनकी मदर जो है नॉर्मली यही होता है कि गैदरिंग जो है जो फैमिली के पेरेंट्स मदर फादर हैं वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्या मतलब टर्न बना रहता है, मैं देखता हूँ फैमिली जैसे बड़ी है तो उसमें टर्न बन जाता है कि इस साल जो है पेरेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, अगले साल बेटा ऑर्गेनाइज करेगा, उसके अगले साल बेटी ऑर्गेनाइज करेगी, उसके अगले साल जो है फैमिली का जो अलग कोई और मेंबर जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा। तो इस तरह करके जो है, पर ये फैमिली गैदरिंग होती है, मतलब ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पूरे जितने लोग होते हैं 40-50 जितने लोग हैं सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यही होता था, मैं हर साल है उनकी मदर है ऑर्गेनाइज करती थी, तो इनवाइट करती थी सबको,
मुझको भी, मैं क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ तो मुझे भी कहती हैं कि आ जाओ भाई तुम भी जाओ। चला जाता था। इस साल नहीं होगा, इस साल क्योंकि कोरोना वायरस का चक्कर है तो इस साल जो है डिसाइड किया गया कि सब लोग अपने अपने घर में जो है फेस्टिवल मनाएंगे, मतलब। और गवर्नमेंट ने भी बना रखा है कि भैया जितना कम से कम हो, मिक्स हो ये, उतना कम से कम मिक्स होइए क्योंकि इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। तो इस बार डिसाइड ऐसे किया गया है कि आप सब लोग अपने अपने घर में बनाएंगे, मुझे भी, मैं भी यहाँ बनाऊंगा घर में। अब वो होता क्या है, अब फेस्टिवल एक तो ये चीज़ हो गया, दूसरा एक चीज़ होता है कि यहाँ पे लॉटरी जो ट्रेडिशन है उसमें लॉटरी खेलने का बड़ा अब है। 22 तारीख को लॉटरी का दिन है और उसके बाद उधर क्रिसमस लॉटरी का है, और उधर जो है जनवरी के फर्स्ट वीक में वे किड्स लॉटरी, मतलब तो किड के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है वो लॉटरी। अब लोग क्या करते हैं, और लॉटरी महंगी होती है, और दिन आप जाएंगे लॉटरी खरीदने तो 1 यूरो का मिलता है, पर ये जो लॉटरियां खरीदते हैं तो 20 यूरो का मिलता है, मतलब 20 गुना ज़्यादा दाम लगता है। पर हाँ ये ज़रूर है कि इसमें चांस जो है ज़्यादा लगने का होता है कि मतलब 22 तारीख को शुरू होगा, मॉर्निंग में 9 बजे से शुरू होता है। अब वो लगातार जो है कंटिन्यूसली नंबर निकलते रहते हैं, अब वो लगभग 3-4 घंटे तक जो है टेलीविज़न पे दिखाया जाता है वो। तो उसमें होता है कि नंबर को जो है बॉल जो होते हैं उसमें नंबर लिखे रहते हैं, उसको जो है एक मशीन होता है घूमता रहता है ऐसे, उसी में डाल देते हैं और वहाँ से निकलता रहता है बॉल, एक के बाद एक बार कंटिन्यूअस निकलता रहता है, और उसको जो है बच्चे जो है उसको ले लेके बॉल बोलते चले जाते हैं, ये नंबर निकला, ये नंबर निकला, ये नंबर निकला। तो और कंटिन्यूस 3-4 घंटे जो चलता है ये, तो उसमें मैक्सिमम लोगों को लग ही जाता है, कुछ ना कुछ जो है मिल ही जाता है कुछ ना कुछ। और ये लॉटरी का सिस्टम, अब उसमें होता क्या है कि आप जो है खरीदिए लॉटरी, और नॉर्मली लोग शेयर में खरीदते हैं, मतलब 20 यूरो का है तो हो सकता है मैं 4 दोस्तों से बोलूं कि चलो आओ लॉटरी खरीदते हैं, 5 यूरो तुम दो, 5 यूरो मैं दूं, 5 यूरो तीसरा देगा, 5 यूरो 20 यूरो हो गया, 20 यूरो में एक लॉटरी खरीदा। लॉटरी लगा लगी तो मान लीजिए 85 यूरो की लगी, तो 10 यूरो या 12-12 यूरो सब एक एक का हो गया, या 85 यूरो की जगह 1 मिलियन लगे तो उसी हिसाब से डिवाइड हो जाता है, तो इस तरह करके होता है। और पहला तो वो क्रिसमस डे वाला होता है, और दूसरा जो होता है वो किड बच्चों के नाम पे होता है। मैंने भी जो है इस बार जो है, और नॉर्मली लोग शेयर में खरीदते हैं ये तो फैक्ट है, मैंने भी बहुत सारे दोस्तों के साथ खरीद रखे हैं, जैसे मेरे पास मेरे बहुत सारे लॉटरी पड़े हुए मेरे पास, एक ये हो गया, मतलब इस साल मैंने देखा कि 5 दोस्तों के साथ मैंने शेयर किया, 5 फ्रेंड्स मेरे जो है वो यहाँ, एक दूसरा है ये भी है, हाँ ये भी है, तो 5 फ्रेंड्स मेरे जो है सबके साथ जो है, तो मेरे जो है 50 यूरो खर्च हुए हैं। तो लॉटरी जो फिजिकल रूप में प्रेजेंट होना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे ये जो 2 लॉटरी मैंने खरीदी, मैंने 3 खरीदी और अपने दोस्त के साथ शेयर में खरीदी, उसको क्या मैंने क्या किया, फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया, अब वो जान गया कि ये लॉटरी का नंबर है, ये मेरे साथ शेयर किया। अब वो लोग भी जो है जब खरीदते हैं
जैसे मैंने किसी दोस्त को बोला, उसने खरीदा, या उसने बोला ग्रीस मैं तुम्हारे साथ एक नंबर शेयर करना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक है कर लो। तो वो जो है खरीदेगा दुकान पे जो भी नंबर है, उसके बाद जो है उसका जो है फ़ोटो खींचेगा, जैसे ये मेरा फ़ोटो खींच के जो है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसे करके खींच के वो जो है भेज देगा। और इसी तरह होता है कि मतलब एक मतलब कुछ मेरे पास पड़े होते हैं, कुछ जो दोस्त लोग खरीदे हुए हैं उनके पास पड़े हुए हैं। अब होगा क्या कि उस दिन जो है जो मेरे पास पड़े हुए हैं वो मैं नंबर देखूंगा कि क्या लगा कि नहीं लगा, और मेरे दोस्त जो है उन लोगों के पास जो नंबर लगा हुआ खरीदे हुए हैं तो वो भी लोग भी देखेंगे कि लगा कि नहीं लगा, और उसके बाद जो है लगता है तो ठीक है बताएंगे, नहीं लगता है तो नहीं बताएंगे। एक खास बात इसमें ये भी होता है कि अब जैसे दोस्ती यारी है तो हो सकता है कि आपने 20 यूरो का खरीदा, अपने पॉकेट से खर्च किया, और लॉटरी 10 यूरो तो आपके दोस्त को देना है ना, तो हो सकता है कि दोस्ती 10 यूरो छोटा अमाउंट है कि चलो भाई मत दो। हाँ ऐसा नहीं है, ट्रेडिशन में ये बताया गया है कि लॉटरी का चांस उन्हीं को ज़्यादा लग जाता है, उन्हीं को ज़्यादा होता है जो पेमेंट कर चुके होते हैं। मतलब अगर 22 तारीख से पहले मैं मेरे जितने भी दोस्त खरीदे हैं उनको मुझे 10 10 यूरो पेमेंट करना है इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब फिजिकली तो मैं नहीं देख सकता उनको क्योंकि वो लोग भाई आजकल वायरस का चक्कर है तो इसलिए मिलना मुश्किल होता है, तो पर इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांसफ़र कर दीजिए उनको, उनका जो पैसा उनका जो होता है जो उनके पर मैंने खर्च किया हुआ है तो वो लोग इलेक्ट्रॉनिक मुझे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये रूल्स है कि एक तरह से बिलीव है कि आप उस दिन के पहले जो है जो आपका 10 यूरो का है उसको पेमेंट कर दीजिए, या 5 यूरो 4 यूरो जो भी है उसको पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो लक नहीं लगेगा। तो इस तरह करके मानते हैं लोग ये लोग। एक तो ये हो गया, दूसरा ये तो बड़े लोगों के लिए हो गया, फिर और बहुत सारे लोग करते हैं गिफ्ट देते हैं, जो गिफ्ट का एक्सचेंज होता है ना तो 24 तारीख को एक्सचेंज होता है गिफ्ट का, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ खरीद के ना, जैसे कोई खिलौना खरीदा, कोई भाई अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना है तो कुछ और किताब खरीद लिया, तो मतलब ये केवल किड्स के लिए नहीं, गिफ्ट देना नहीं होता मतलब औरों को भी, पेरेंट्स बुआ आंटी और सबको देना होता है। मतलब एक व्यक्ति जो है अपनी फैमिली में 5 लोग उसके हैं तो 5 लोग को गिफ्ट देना होता है। मुझे याद है कि एक लड़का था, एक बार छोटा बच्चा था, तो मैंने उससे पूछा कि इस बार कितना गिफ्ट मिला तुम्हें, बता रहा 8 गिफ्ट मिले। हम कहे 8 गिफ्ट कहाँ से मिल गया, कह रहा एक मेरे फादर ने दिया, एक मेरी मदर ने दिया, एक मेरे भैया ने दिया, एक मेरी आंटी ने दिया, एक मेरे अंकल ने दिया, तो एक मेरे मतलब ऐसे करके उसको 8 9 गुड जो है मिल चुका था। पर ऊपर ये नहीं है कि उसने भी गिफ्ट दिया होगा, उसने भी जो है गिफ्ट जो है दूसरों को, अपने पापा को भी दिया होगा, अपने मदर को भी दिया होगा, अपनी चलिए खर्च तो सब पापा के ऊपर ही आएगा मदर के ऊपर ही आएगा, पर गिफ्ट देगा तो इससे एक्सचेंज होते हैं गिफ्ट। पर बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि इस दिन कुछ इधर उधर ना खरीद के लोग लॉटरी खरीद लेते हैं, लॉटरी खरीद लेते हैं और उसको गिफ्ट में दे देते हैं कि लो भाई लग गया तो तब भी ठीक है, नहीं लगा तो ये तुम्हारा अब तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है, मैंने तुमको दे दिया 20 यूरो खर्च करके गिफ्ट दे दिया। और इस तरह का मैंने केवल इसी इधर ही नहीं, मतलब
इस वेकेशन में ही नहीं चलता, ये पूरे साल ऐसे चलता है कि बहुत सारे लोग जो गिफ्ट ना खरीद के जो लॉटरी की दुकान पे जाएंगे, 1 यूरो का सस्ता मिलता है लॉटरी, खरीदते हैं और उसको गिफ्ट में दे देते हैं, कहते हैं भैया ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, कल अगर पेपर में देखना या कल नोटिस बोर्ड पे देखना अगर रह गया तो लग गया, तुम लकी हो, नहीं आया तो हाँ, तो ये एक तरह से इस तरह के चक्कर चलता रहता है यहाँ पे। तो ये गिफ्ट का, ये लॉटरी का मतलब क्रेजीनेस है, बहुत बड़ा ये क्रेजीनेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हजारों यूरो खर्च कर देते हैं लोग, मतलब कोई कोई फैमिली में वहाँ 50 मेंबर है, जो एक पेरेंट्स हैं, और चलो इस बार जो है 10-20 हज़ार का मैं जो है 5 हज़ार मैं इसी में खर्च करता हूँ, और सब ढेर सारा खरीद के जो है सबको बांट देता हूँ पूरी फैमिली में, हो सकता लग जाए हो सकता न लगे, तो इस तरह करके लोग जो है अपना करते रहते हैं। तो एक तो ये होता है, ये क्रिसमस 22 दिसंबर को होगा, और दूसरा होता है इसको स्पेनिश में कहते हैं लॉटरिया दे नाविदाद, और दूसरा होता है जो फर्स्ट वीक में होता है उसको कहते हैं लॉटरिया नीनो, नीनो मीन्स किड्स, तो किड्स के लिए जो है वो होता है। अब देखा जाए क्या होता है इस बार, मैंने तो 5 नंबर पे लगा हुआ है, अब देखते हैं क्या होता है। पिछले साल कितना कट खरीदा था, 1 2 3 3 था मेरे पास पिछली बार, तो वही मेरे जो फ्रेंड्स हैं वही लोग अपना, तो 3 महीने लगा था, तो एक एक जो लॉटरी थी, एक या दो जो थी उसका जो पैसा जो कंपेंसेट हो गया था, मतलब 20 यूरो खरीदा था तो 20 यूरो का लग गया था, 20 यूरो वापस आ गया, दूसरा 20 यूरो था वो भी शायद एक में लॉस हुआ कि 10 यूरो का कोई है, मतलब बहुत छोटा अमाउंट लॉस हुआ था मेरा, 10 यूरो के आसपास था शायद, कि 3 थे तो 60 खरीदा, 60 यूरो लगे ना, तो 60 यूरो में जो घाटा हुआ था शायद 10 यूरो का टोटल हुआ, ऐसे ही कुछ हुआ था, 50 यूरो लगे थे या 10 यूरो का घाटा हुआ था, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली पर लगा था ये। तो और उस दिन लोग जो है बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि गांव में लगता है, जैसे किसी गांव में लग गया लॉटरी, तो उस गांव के सभी लोग जो है, क्योंकि हो सकता है वो नंबर उसी गांव में जो बिका हो और कहीं ना बिका हो, क्योंकि वो पूरे सीरीज होता है, लॉटरी की सीरीज होती है, और वो हो सकता है कि एक गांव में के गांव में खरीद लिया गया कि भैया गांव का ही पूरा गांव जो है इसी सीरीज के नंबर पे खेलेगा, और उसी सीरीज का वो पूरे गांव के लोगों ने खरीद रखा है, तो पूरे गांव को लॉटरी लग गई। और तो वो 10-10 मतलब पूरे सीरीज का गेम होता है, कभी कभी किसी शहर का सीरीज है तो कभी किसी इसका से लॉटरी का सीरीज है, तो वो वहीं पे मिलेगा, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा, तो होता गया कि कभी कभी पूरा शहर जो है फेस्टिवल मनाने लगता है, क्या भैया क्या इस शहर को जो है इतना करोड़ों रुपया जो है लग गया लॉटरी का, तो शहर के पूरे लोग जो है कुछ ना कुछ पा गए, तो ऐसे ही चलता है, फेस्टिवल फेस्टिवल है और लोग एंजॉय करते हैं, और इसीलिए आपने न्यूज़ में कभी कभी आप सुनते होंगे ना कि विदेश में जो है लोगों को जो है इतने करोड़ की लॉटरी लग गई, इतने करोड़ की लॉटरी लग गई, वैसे ही इसी कारण। अब मेरा दोस्त देखिए, अभी हाल में मेरा एक फ्रेंड है, उसको 60 हज़ार का लगा, वो बताया नहीं, मैंने सैटरडे लास्ट सैटरडे को बुलाया हम लोग को कि चलो जो है थोड़ा सा बहुत दिन हो गया मिले हुए सब लोग, तो मिलते हैं,
हम लोग गए वही, एक दो दो लड़के और दो लड़कियाँ, तो सब दोस्त हैं, गए अपना। हाँ, तो सुबह 2 बजे से हम लोग जो है कि चलो भाई, दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ कि चलो भाई ये वो ऐसे वैसे। हाँ, प्रिकॉशन लेके, ऐसा नहीं है कि मतलब आजकल कोविड है ना, तो ऐसे प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो सब कुछ करके करते 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 तो मतलब रात का 8:30-9 बज गया। 10 बजे लॉकडाउन होता है, तो ये फिक्स था कि 8:30 तक सब लोग जो है बाहर निकल के सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि 10 बजे तक लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन में अगर आप फंसे तो अच्छा खासा पेनाल्टी देना होता है। और वो बंदा जो है किसी गांव में रहता था, तो उसको भी आधा 1 घंटा लगता है गांव तक जाने। तो उसने क्या किया, 8:30 बजे बता रहा है कि जानते हैं आज मैंने ये पार्टी क्यों ऑर्गेनाइज की। मैं सब लोग आश्चर्य हुए, क्यों भाई, ये तो सब लोग मिलने के लिए बहुत दिन हो गए इसलिए मिलने के लिए। कह रहा है नहीं, मेरा जो है 60,000 की लॉटरी लगी थी और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, किसी को पता नहीं था कि सेलिब्रेट। सब लोग होता क्या है यहाँ पे कि जब भी ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं तो लोग जो है छोटे छोटे अमाउंट जो है दे देते हैं एक व्यक्ति को, और वही जो है व्यक्ति जो है खर्च करता रहेगा। कहीं भी जाएंगे, किसी भी शॉप में जाएंगे, किसी भी बार में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आप खाइए पीजिए, पर जो खर्च होगा पूरा कॉस्ट जो है वही व्यक्ति पे करेगा। तो मॉर्निंग में हम लोग ने 2 बजे जो है कि हुआ फिक्स हुआ कि चलो 30-30 यूरो सब लोग दे देंगे, और 30-30 60 120, 4×3 12 ना से 120 भी, 120 यूरो हो जाएगा, और 120 यूरो एनफ है, चलेगा काफ़ी देर तक। और जब कम हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है इकट्ठा करेंगे। पर 8:30 बजे जब उसने बताया तो हम लोग बोले कि ये तो गलत हुआ, पहले ही 2 बजे बता देना चाहिए था कि तुमको जो लॉटरी लगी है, तो हम लोग एक पैसे भी नहीं देते। और मैंने तो सोच रखा है कि अगली बार जब वो ऑर्गेनाइज करेगा कुछ तो मैं तो एक पैसा नहीं देने वाला। कहूँगा तुमको लगा था, पहले उसका पेमेंट करो पूरा, और इस बार महंगा महंगा वाले जगह पे चला जाएगा। हाँ, जहाँ पे तुम्हारा जो है खर्च हो। तो पर देखने की चीज़ ये है कि ये जो फेस्टिवल का सीज़न आता है इसमें केवल मतलब इनका एक ट्रेडिशन है इस तरह का बना रखा है इन लोगों ने कि हर आदमी को मतलब 50% पॉपुलेशन को तो कुछ ना कुछ मतलब इसी से खुशी मिल जाती है कि चलो भैया कुछ, भले वो केवल कंपेंसेट हो। मतलब जैसे पिछली बार मैं खुश हुआ कि मैं जो नंबर लगाया वो लगा, तो भले वो मेरा जो है अगर टोटल जोड़ जाड़ के देखा जाए तो 10 यूरो का घाटा हुआ, पर 3 नंबर खरीदा तो 3 में से 2 तो निकला। हाँ, दो तो निकला ना, तो इस वो एक खुशी की बात होती है। बस क्या हुआ भैया, नंबर लगा? हाँ, लगा, मेरा भी लगा। भले आप घाटा ही हो पर लगा, तो उसी में लोग सेलिब्रेट करते हैं कि ये लगा, मेरा भी नंबर लगा, ये अपना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह का ट्रेडिशंस है। और तो स्पेन में अगर आते हैं तो इस तरह के ट्रेडिशन को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं भी शुरू शुरू में समझ नहीं आता था क्या है कैसे है, फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मुझे भी इस तरह के ट्रेडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। भाई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में रहना है तो इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि लोग जब जाते हैं तो लोग बात करते हैं, आई मैंने ये किया, ये नंबर लगा, वो नंबर। अब आपके पास कोई टॉपिक ही नहीं बात करने का, क्या बात करेंगे।
क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल वही टॉक कर रहे हैं, उसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, आप क्या बात करेंगे। तो धीरे धीरे लगा कि मुझे भी ये सब चीज़ें जो है ट्रेडिशन है उसको इनकॉर्पोरेट सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट हो करने के लिए ये सब करना पड़ेंगे, करते हैं। चलिए, आपको बताया मैंने, एक टॉक का भी स्पिन आते हैं, तो एंजॉय कीजिए इसका। और हाँ, ये जरूर है कि खूब पैसे मत उड़ा दीजिए, ये मत करिएगा, बस ये करिएगा कि पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमेशा शेयर में कीजिएगा कि अकेले नहीं, मतलब हमेशा दो तीन दोस्तों के साथ शेयर करके, आ ये वो ऐसे करके, मतलब उसको ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो उसमें आपका घाटा भी हो सकता है। तो ये बस केवल एक सेलिब्रेशन का एक वो है, और कोई तय वो नहीं है। पर मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग है, खास तौर से इस दिन के लिए पूरा सीरीज ही बुक कर लेते हैं, पूरा सीरीज ही खरीद लेंगे। वो जो है, लग गया रोन का ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, पर वो सिचुएशन अलग चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो लोग पूरे साल भर जो है वो इसी के लिए पैसा जोड़ते रहते हैं कि एक सीरीज खरीद लूँगा और ये चलेगा ऐसे। तो उन लोग का सिस्टम दूसरा 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 बहुत सोच होती है थोड़ी सी। चलिए, आपको एक ट्रेडिशन बताया मैंने स्पेन का, और अगर इस तरह के ट्रेडिशन आपके देश में भी है तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए कि मतलब शेयर करना चाहिए ये सब चीज़ें, इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, नमस्कार।